रणवीर वानखड़े की बीवी क्रांति रेडकर ने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखा पत्र, साथ ही साथ उनसे मिलने का वक्त भी उन्हें चाहिए। क्रांति रेडकर जो है कई सारे चीजों को लेकर उद्धव ठाकरे से बात करना चाहती है, क्योंकि कई सारे लोग जो है समीर वानखड़े पे कई सारे इल्जाम लगा रहे हैं, साथ ही साथ उनके पर्सनल लाइफ पर भी जो काफी सारे अटैक कर रहे हैं। क्रांति ने जो पत्र है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो भी सारी चीजें सोशल मीडिया पे चल रही है उसका लोग जो है वो मजा लेते नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ वो चाहती है कि उनका ये जो पूरा केस है उस पर उनको न्याय मिले, जिसके चलते वो सीएम उद्धव ठाकरे से मिलना चाहती है। पहले तो उन्होंने पत्र जाहिर किया, उसके बाद उन्होंने उद्धव ठाकरे से मिलने की बात भी कही, क्योंकि वो चाहती है कि उद्धव ठाकरे मराठी मुलगी के सपोर्ट में आगे आए और जो भी सारा जो अन्याय उनके परिवार के साथ हो रहा है उसमें वो न्याय दिलाए। साथ ही साथ उन्होंने बार बार पत्र में ये लिखा कि वो एक मराठी मुलगी है और मराठी मुलगी के साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, जिसके चलते वो चाहती है कि उद्धव ठाकरे सामने आए या तो उनसे मुलाकात करे और ये सारी चीजों में कुछ हल निकाले। वो न्याय चाहती है क्योंकि उनके हिसाब से जो भी सारी चीजें चल रही हैं समीर वानखड़े के इर्द गिर्द, उन्हें ऐसा लग रहा है कि समीर वानखड़े की पर्सनल लाइफ को जो है काफी ज्यादा पब्लिक में लाया जा रहा है और कई सारे जो गलत इल्जाम है वो वानखड़े परिवार पे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे किसी का भी जो नाम है उस पत्र में नहीं लिखा, लेकिन बार बार वो यही कहती आई कि वो उद्धव ठाकरे से मिलकर वो ये चाहती है कि जो उद्धव ठाकरे है वो इस मराठी मुलगी के लिए जो है कुछ न्याय के लिए कुछ बातें करे, क्योंकि वो ये सारी जो ट्रोलिंग है जो सोशल मीडिया पे हो रही है, लोग कई सारी जो अलग अलग बातें हैं जो उनके परिवार के बारे में कह रहे हैं, तो वो यही चाहती है कि क्या कुछ जो है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ ये जो पूरा मामला है इसकी जो शुरुआत है, ये जो नवाब मलिक हैं जो शुरुआत से ही जो है समीर वानखड़े पर कई सारे जो है वो इल्जामात लगाते आ रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने समीर वानखड़े के पर्सनल लाइफ पर भी जो है काफ़ी सारे अटैक किए हैं, उनके हिंदू होने पर सवाल उठाए हैं। तो इस चलते जो क्रांति रेडकर है उन्होंने एक पत्र लिखा और उद्धव ठाकरे से मिलने की जो है बात भी कही। और साथ ही साथ क्राइम ब्रांच केस में महाराष्ट्र के जलगांव में मनीष भांगड़े नाम के एक शख्स ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर कई चौंकाने वाले दावे किए। न्यूज 18 के आशीष सिंह की खबर है कि जलगांव के एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने वाले मनीष लीलाडकर ने दावा किया है कि 6 अक्टूबर की रात करीब 10 से 10:30 बजे उनके पास आलोक जैन और शैलेश चौधरी नाम के दो शख्स उनसे मिलने आए और उन्होंने तीन चीजों की जो है मांग की, जिसमें पहला काम था कि शाहरुख खान के मैनेजर पूजा डडलानी जो है उनका मोबाइल फोन का जो है कॉल डिटेल्स जो है रिकॉर्ड निकालना है। साथ ही साथ ये जो क्रांति रेडकर है वो कई सारी जो सोशल मीडिया के जो ट्रोलिंग है उससे काफी ज्यादा परेशान हो गई है और ये जो पूरा ड्रग्स मामला है, जब से जो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े ने 2 अक्टूबर को जो है क्रूज ड्रग पे जो है रेड की है, जिसके बाद नवाब मलिक जो है कई सारे जो इल्जाम है वो समीर वानखड़े पे लगा रहे हैं। हर दो दिन में कोई ना कोई जो नए सवाल है नवाब मलिक जो है समीर वानखड़े पे लगाते आए हैं। साथ ही साथ उन्होंने पत्र लिखकर उद्धव ठाकरे से मिलने की बात की है। उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा है कि वो एक मराठी मुलगी है और वो चाहती है कि वो उद्धव ठाकरे से मिलकर उन्हें जो है न्याय दिलाने की जो है बात करना चाहती है, क्योंकि वो ये सारी सोशल मीडिया ट्रोलिंग और कई सारे जो प्रूफ जनता के सामने रखते रखते परेशान हो गई है, जिसके चलते वो सीएम उद्धव ठाकरे से मिलकर उनसे बातचीत करके इस मामले पे है कई सारी बातें करना चाहती हैं। साफ तौर पर ये दिख रहा है कि क्रांति रेडकर हैं वो ये सारे जो पूरे मामला है जो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई है इसमें, कई सारी जो इल्जाम समीर वानखड़े पे लग रहे हैं उससे काफी ज्यादा परेशान हो गई है, जिसके बाद उन्होंने एक पत्र जाहिर किया और उद्धव ठाकरे से जो है मिलने की बात की। उन्होंने कहा कि ये पूरे मामले में उनकी पर्सनल लाइफ को जो है वो क्यों घसीटा जा रहा है। साथ ही साथ जब न्यूज 18 ने भी देखिए हमारे साथ आशीष भी लाइव पे जुड़ गए हैं, तो आशीष हम जानना चाहेंगे ये पूरी चीज पे अपडेट क्या कुछ है आपके पास फिलहाल। जी क्रांति रेडकर ने इस वक्त जो है मुख्यमंत्री से पहले तो ट्वीट किया था, उसके बाद जो है मिलिंद नार्वेकर जो उनके सचिव हैं उन्हें सीधे फोन किया, मुख्यमंत्री से मिलने का वक्त जो है उन्होंने मांगा हुआ है। मिलिंद नार्वेकर ने हालांकि उनकी सारी बात सुनी और इसके बाद जो है मिलिंद नार्वेकर ने उन्हें आश्वासन दिया कि जो भी राज्य सरकार से उन्हें मदद हो सकेगी वो मिलेगी और मुख्यमंत्री से जल्दी ही वो मीटिंग शेड्यूल करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री का शेड्यूल पहले से ही व्यस्त है, लिहाजा ऐसे में थोड़ा वक्त जो है जरूर लगेगा। हालांकि अर्जेंट बेसिस पे जो है ये मीटिंग
मीटिंग की मांग जो है वो क्रांति रेडकर ने की है। साफ तौर पर अपनी समस्याएं बताई कि किस तरह से कुछ लोगों द्वारा उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके बारे में उन्होंने बकायदा एक ट्वीट भी किया हुआ है और ये ट्वीट जो है काफी अहम हो जाता है क्योंकि ट्वीट में उन्होंने अपनी सारी बातें रखी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक महिला के ऊपर जो है वो लांछन लगाया जा रहा है, उसके परिवार को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उसके पति एक ईमानदार अफसर रहे हैं और जिस तरह से बाला साहब ठाकरे को वो एक आदर्श मानती थी, एक मराठी मुलगी है और आदर्श मानती थी, लिहाजा ऐसे में कहीं ना कहीं उसका एक प्रतिबिंब, बाला साहब ठाकरे का एक प्रतिबिंब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे में वो देखती हैं और न्याय की अपेक्षा करती हैं। ये सारा जो ट्वीट उन्होंने किया था उसके बाद कहीं ना कहीं जो है वो कहा जाए कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने की मांग की है, वक्त मांगा है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री से वक्त उन्हें नहीं मिला है। देखिए हमारे पास रेखा शर्मा का एक टिकटैक है तो वो अब हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। मुझे आवाज नहीं आ रही यार। रेखा जी बताइए कि किस तरह की शिकायत आपको दी गई है? देखिए शिकायत तो उन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी भेजी है लेकिन ज़्यादातर विषय अपने भाई के बारे में है। उसमें से साइबर स्टॉकिंग जो उनके साथ हुई है वो विषय पे हम काम कर रहे हैं। एक साइबर सिक्योरिटी और दूसरा राइट टू प्राइवेसी। उनकी पिक्चर्स जो हैं वो सोशल मीडिया से विदाउट हर परमिशन डाउनलोड की गई और सर्कुलेट की गई सोशल मीडिया और मीडिया में, जो कि बिल्कुल लॉ के अगेंस्ट है। आप किसी की पिक्चर्स को ऐसे डाउनलोड करके सर्कुलेट नहीं कर सकते, वो भी प्राइवेट पिक्चर्स को। और दूसरा उनकी राइट टू प्राइवेसी, जो उनकी प्राइवेट लाइफ है उसको मीडिया में उछाला गया जबकि वो इस केस में या जो भी राजनीति चल रही है उसका कोई हिस्सा नहीं है। तो किसी भी महिला को ड्रैग करना किसी दूसरे मैटर में, वो सिर्फ उनकी बहन है, बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात जो उन्होंने कहा है कि मुंबई पुलिस ने उन्होंने 22 तारीख को वो गई थी शिकायत करने लेकिन आज तक कुछ नहीं किया, तो उसके ऊपर भी हम मुंबई पुलिस को लिख रहे हैं। मैम उसमें उन्होंने जो शिकायत दर्ज करी है, जो आरोप लगाए हैं वो नवाब मलिक पर है, क्या उनको उनका नाम लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज करी है और किस तरह के आरोप नवाब मलिक? हाँ जी, वो नवाब मलिक का नाम लेकर ही उन्होंने ही ये जो मैं आपको बता रही हूँ पिक्चर्स डाउनलोड करना और सर्कुलेट करना, वो उन्हीं का नाम लिया गया है। देखिए नवाब मलिक ने कल समीर वानखेड़े पे कई सारे सवाल उठाए थे, साथ ही साथ उनकी पिछली बीवी के साथ एक तस्वीर भी जो है ट्विटर पे वायरल की थी, जिसके बाद न्यूज 18 से बात करते हुए जो समीर वानखेड़े की पहली पत्नी है उनके पिता से जो है न्यूज 18 से उनकी बात हुई, जिन्होंने ये बताया कि उन्हें तो यही पता है कि समीर वानखेड़े के पिता का नाम दाऊद वानखेड़े ही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि वो जो परिवार है वो जो है वानखेड़े परिवार को जो है 3-4 साल पहले से जानते थे, जिसके बाद जो है उन्होंने अपनी बेटी की जो शादी है समीर वानखेड़े से करवाई। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि समीर वानखेड़े के पिता का नाम उन्हें दाऊद वानखेड़े ही पता है। डॉक्टर जाहिद कुरैशी हैं, डॉक्टर जाहिद कुरैशी डॉक्टर सबाना कुरैशी के पिताजी हैं, एक डॉक्टर हैं, जोगेश्वरी इलाके में इनकी क्लिनिक है और वेलन डॉक्टर हैं। डॉक्टर जाहिद कुरैशी की बेटी के साथ पहली शादी हुई थी समीर वानखेड़े की। डॉक्टर साहब ये कब की बात है और क्या मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी ये पूरी शादी और समीर वानखेड़े मुस्लिम के तौर पर एज अ शादी कर रहे हैं? शादी 7 दिसंबर को हुई थी 2006 में और मुस्लिम एक तरीके से हुई थी एंड वी नो दैट ही इज मुस्लिम, के फैमिली मुस्लिम है, ये मतलब फिल्म बिलोंग करते हैं मुस्लिम से ही और हम लोग 3-4 साल से जान रहे थे कि ये जो मुस्लिम ही है और उसके बाद हमारी शादी हो गई अच्छे की। पिताजी का नाम दाऊद वानखेड़े दाऊद वानखेड़े था हमारे, मतलब उसमें आया था कि दाऊद वानखेड़े नाम है। शादी के समय में एक, चूँकि आप वेल नोन डॉक्टर रहे हैं खास करके वेस्ट में, तो बहुत सारे लोग आए होंगे इस शादी में, बहुत सारे लोगों के इनवाइट किया होगा आपने, तो कितने लोगों का खास करके लोग करीब करीब आए होंगे और साथ ही अब
जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हिंदू हैं और एससी एसटी है, इसको कैसे आप देखते हैं जब सुनते हैं मीडिया में इस तरह की चीज़ें? नहीं, हमें मतलब बिल्कुल वो लग रहा है कि मतलब ऐसा चीज़ नहीं थी, नहीं इनके मालूम थे कि फादर मतलब हिंदू हैं, पहले हिंदू थे लेकिन कन्वर्टेड हो चुके हैं, उनकी माँ कन्वर्ट मतलब मुस्लिम थी और दे ही मतलब बिलोंग टू द मुस्लिम फैमिली और दोनों मतलब उनके बच्चे थे, दोनों मतलब मुस्लिम फैमिली में थे। उनके फ्यूचर पहले का हो तो नहीं मुझे जानता, लेकिन मैं 4-5 साल से उसको जान रहा था, शादी 2-3 साल पहले जान रहा था, तो यही मुझे लग रहा था कि मुस्लिम फैमिली कन्वर्टेड। देखिए हमारे साथ आनंद जुड़े हुए हैं। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो दिल्ली की जो पुलिस मुंबई पहुंची है वो आज क्या कुछ कार्रवाई जो कर सकती है, साथ ही साथ ये भी सामने आया है कि समीर वानखेड़े को आज फिर एक बार पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। जी देखिए, समीर वानखेड़े से आज पूछताछ नहीं होगी, ये कल ही साफ कर दिया था ज्ञानेश्वर सिंह साहब ने और खुद समीर वानखेड़े ने। लेकिन मैं आपको ताजा अपडेट दे दूं कि जो समीर सालेकर है, जो इस पूरे मामले में एक सिपाही है एनसीबी का, उसके महत्वपूर्ण स्टेटमेंट कल एनसीबी की विजिलेंस टीम ने रिकॉर्ड करे हैं। ये शख्स इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो प्रभाकर है उसने अपने एफिडेविट में समीर सालेकर का नाम का जिक्र किया था कि कोरे कागज पर, 4 कोरे कागज पर समीर सालेकर ने एनसीबी का जो हेडक्वार्टर है वहां पर जिस वक्त समीर वानखेड़े मौजूद थे प्रभाकर से साइन कराए हैं। इसके अलावा अभी एनसीबी के इस अस्थाई गेस्ट हाउस में जो आशीष रंजन प्रसाद हैं, जो एक इंस्पेक्टर हैं और ड्रग्स क्रूज मामले के से जुड़े एक अहम ऑफिसर हैं, उनसे एनसीबी की टीम पूछताछ यहां पर कर रही है, विजिलेंस टीम जो है। फ्लेचर पटेल जो कि एक अलग से किरदार है, जिनके जो ना कि पंच है ना ही जो 94 नंबर क्राइम फाइल है उसमें उनका कोई जिक्र नहीं था, लेकिन उनसे भी एनसीबी की विजिलेंस टीम पूछताछ करेगी और जानकारी मिल रही कि एक बार के स्टेटमेंट उनके भी रिकॉर्ड किए गए हैं। तो आज एक अहम किरदार जो है, एक इंस्पेक्टर आशीष रंजन प्रसाद, वो अभी अंदर मौजूद है। उनसे हमने फोन पे बात की थी, उन्होंने कहा कि उन्हें बुलाया गया है, आज कॉल थी और वो अभी अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रहे हैं। हम आपके पास वापस आते हैं, आप वहीं हमसे हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ दिवाकर भी जुड़े हुए हैं। दिवाकर, जो समीर वानखेड़े के पहले जो ससुर हैं उन्होंने कई सारे चीजों का जो खुलासा किया, उन्होंने कहा कि उन्हें यही पता था कि समीर वानखेड़े के पिता का नाम दाऊद वानखेड़े था और उन्होंने यही पूछा कि उन्हें यही पता था कि ये एक मुस्लिम फैमिली है, तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस पर मैंने कल समीर वानखेड़े के पिता से भी सवाल किया था और साथ ही साथ उनकी पत्नी से भी सवाल किया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था, ये माना था कि निकाह नामा जो है वो सही है, लेकिन उस पर जो नाम लिखा है दाऊद वानखेड़े, उसके बारे में उन्हें कुछ जानकारी नहीं है कि कैसे उस पर उनका ये नाम लिख गया। हालांकि उनके नाम के ठीक सामने निकाह नामा में जो है वो सिग्नेचर भी है, तो उनका कहना था कि इतनी शादी का माहौल था, इतनी सारी भीड़ थी, इसलिए उन्होंने ऐसे बिना देखे ही साइन कर दिया, तो ये उनका उनकी दलील थी। लेकिन उनकी पत्नी जो है समीर वानखेड़े की, उनका कहना था कि इस पूरे मामले में जो समीर ने शादी की थी पहली, उसमें उन्होंने जो अपनी शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जो है रजिस्टर करवाया था, जिसमें खुद शादी कराने वाले काजी का भी नाम है, उसका सिग्नेचर भी है। तो ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन जिस तरह से सवाल वानखेड़े फैमिली पर जो है उठ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं वानखेड़े फैमिली को उसका जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि सवाल यही है कि आपके निकाह नामे पर आपका सिग्नेचर हो जाता है, आपको पता ही नहीं होता है कि आपका नाम क्या है, ये शायद संभव नहीं है। लेकिन ऐसे में अब जबकि जिस खबरों में आगे बढ़ते हैं, कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ने लगा है। बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में अचानक कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है, जिससे प्रशासन के हाथ पांव फूल चुके हैं। रोजाना राज्य में करीब 1000 मरीज सामने आ रहे हैं। हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि कोलकाता से 20 किलोमीटर दूर दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर कस्बे में तो कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन तक लगा दिया गया है। सोनारपुर में 3 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है और शहर में 19 जगहों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान 10 दिनों के लिए नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया था और दशहरा बीतने के 5 दिन बाद ही बंगाल में नए मरीजों की संख्या 800 के पार चली गई। वहां रोजाना 800-900 लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, जिनमें ज्यादातर कोलकाता और आसपास के शहरों के हैं। ऐसे में डॉक्टर्स भी ये मान चुके हैं कि अगर वक्त रहते महामारी को फैलने से नहीं रोका गया तो संकट और ज्यादा गंभीर हो जाएगा।
और ऐसे में तमाम लोगों से अपील भी प्रशासन की तरफ से की जा रही है। ये तस्वीर जरा आप देखिए किस तरीके से बाजारों में भीड़ जुटती हुई नजर आ रही है। लापरवाही लोगों की तरफ से बरती गई। दुर्गा पूजा के दौरान जो कर्फ्यू वहां पर लगा हुआ था वो हटा दिया गया था उस वक्त, और ऐसे में तादाद लगातार जो संख्या है कोरोना मरीजों की वो बढ़ती हुई नजर आई, और ऐसे में मजबूरी ये हुई कि अब 3 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है सोनारपुर जिले में। इसके साथ ही 19 कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर एक बार फिर से केसेस को देखते हुए लग रहा है कि कोरोना वापसी कर रहा है, और ऐसे में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को थामने के लिए रोकने के लिए प्रशासन ने वक्त रहते लॉकडाउन इस शहर में लगा दिया गया है। 24 अक्टूबर को 11 लोगों की मौत हुई थी, 25 अक्टूबर को 15 मरीजों की मौत हुई थी। कोलकाता और हुगली में ज्यादातर असर इस वक्त कोरोना का नजर आ रहा है। उत्तर 24 परगना की बात की जाए तो वहां पर भी कोरोना बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है। दुर्गा पूजा के बाद कोरोना मरीज लगातार बढ़ते हुए दिखाई दिए। ये दो तस्वीर जरा आप देखिए, 3 दिन का लॉकडाउन इस वक्त पश्चिम बंगाल के सोनारपुर जिले में लगा दिया गया है। मास्क लगाने की अपील लगातार पुलिस की टीम की तरफ से की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता की कमी के चलते ही ये तस्वीर एक बार फिर से पेश आई। पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में 3 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। इस समय मैं सोनारपुर मार्केट में हूँ, तस्वीरें यहाँ पर देखिए, जो दुकानें हैं वो बंद हैं, सिर्फ जरूरी चीजें जो हैं वही आज दुकानें खुली हैं। बावजूद इसके बाजार की तस्वीर देखें, यहाँ पर भीड़ आज भी आपको नजर आएगी, कई चेहरे यहाँ पर आपको बिना मास्क के अब भी नजर आ जाएंगे। हालांकि पुलिस की तरफ से लगातार कड़ाई की जा रही है। यहाँ से कुछ ही कदमों पर जो है सोनारपुर पुलिस स्टेशन है, बावजूद इसके यहाँ पर तस्वीरें कई जगहों पर ये नज़र आ रही है कि लोगों ने मास्क तक नहीं लगाए। क्यों, मास्क कहाँ चला गया आपका, कहाँ जा रहे हैं, मास्क नहीं है? हाँ बताइए, हाँ आप यहाँ रहते हैं, यहाँ काम करते हैं, लेकिन मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं? अरे तो दादा आप भी मास्क नहीं लगाए? तो है, तो मास्क तो मेरा पास है, है तो है तो मेरा पास, लेकिन अभी तो आया है, पानी पी रहे हम। अच्छा, अभी पानी पी रहा है, तब तो पीनेगा मास्क ना, तब नाक पर भी नहीं लगाया दादा आपने मास्क? पानी पिया है, अभी पानी पिया है, तब तो लगाएगा मास्क। तो हालांकि पुलिस की तरफ से लगातार माइकिंग की जा रही है और कार्रवाई भी की जा रही है, बावजूद इसके कई ऐसे चेहरे हैं जो बिना मास्क के यहां पर घूमते नजर आ रहे हैं। और इस वक्त आशिका सिंह हमारे साथ मौजूद है, सीधे लाइव उनका रुख कर लेते हैं। आशिका देखिए तस्वीर हम देख रहे थे, लोगों की तरफ से ये तो माना जा रहा है कि ठीक है लापरवाही है, लेकिन क्या इस 3 दिन के लॉकडाउन से आपको लगता है स्थिति काबू में होती हुई नजर आएगी? देखिए सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें दिखाते हुए मैं आपको बात करूंगी कि लॉकडाउन लगाया गया है, दुकानों के शटर आपको नीचे नजर आएंगे, लेकिन भीड़ जो यहाँ पर है वो आप देखिए, उसका उसकी तस्वीर देखिए, तो कहीं ना कहीं ये जो 3 दिन का लॉकडाउन है इसका कितना असर होगा, इसको लेकर के कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी उठते हैं। कई चेहरे इस भीड़ में आपको नजर आएंगे जो जिनके चेहरों पर आपको मास्क भी नजर नहीं आएगा। देखिए यहाँ सामने दुकान पर ही एक व्यक्ति खड़ा है जिसके चेहरे पर मास्क भी नहीं है, और यही तस्वीर सुबह से देखने को मिल रही है। यहाँ से कुछ कदम की दूरी पर सोनारपुर रेलवे स्टेशन के साथ ही चिपका हुआ पुलिस स्टेशन भी है, उसके बावजूद यहाँ की तस्वीर बदलती हुई नजर नहीं आ रही है। पुलिस ने घंटों यहाँ पर माइकिंग की है, हालांकि अब दोपहर का समय है तो आमतौर पर भी बाजार इस समय बंद रहते हैं, इसलिए पुलिस की टीम यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, लेकिन सुबह से यहाँ पर माइकिंग की जा रही थी, कार्रवाई की जा रही थी, लोगों से बार बार मास्क पहनने को कहा जा रहा था, बावजूद इसके तस्वीर नहीं बदल रही है। क्यों दादा आपने भी मास्क नहीं पहना है, मास्क कहाँ है आपका? ये कैसे मास्क हो सकते हैं? देखिए तो यहाँ पर लोग जो है तर्क अजीबो गरीब देते हुए आपको नजर आ रहे हैं। एक व्यक्ति जो जिसके जेब में मास्क था उसने मास्क नहीं पहना, एक और तस्वीर आपको यहाँ पर दिखेगी मास्क बिल्कुल, और यही घोर लापरवाही आप लोगों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है आशिका, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसके साथ ही आपको ये बता दें कि पूरे देश की बात करें तो आज देश भर में कोरोना के 16,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, और इस महामारी से 733 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 17,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी से ठीक होकर घर लौट चुके हैं। पूरे देश में इस वक्त कोरोना के करीब 1,00,000
61,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और अभी तक इससे 4,56,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 17,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और ऐसे में देश भर में कोरोना के केसेस में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा स्थिति जो बेकाबू होती हुई नजर आ रही है वो है पश्चिम बंगाल, और ऐसे में पश्चिम बंगाल के सोनारपुर जिले में 3 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो लगातार बाजारों में जिस तरीके से राज्यों में कोरोना के केस एक बार फिर बढ़ रहे हैं और खास करके पश्चिम बंगाल में केसेस में बढ़ोतरी हुई और उसकी वजह से एक जिले में लॉकडाउन की जरूरत पड़ गई। हमारे साथ में एनसीडीसी के एक्स डायरेक्टर अक्षय धालीवाल जी हैं। सर, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, बीच में केसेस काफी डाउन हुए थे, क्या ये फेस्टिवल की वजह से ये सब हो रहे हैं, क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, जो कोरोना का इन्फेक्शन है ये एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और इसमें सबसे बड़ा जो कारण रहता है वो दो फैक्टर हम कहते हैं साइंस में। एक तो इंट्रेंसिक फैक्टर हुआ कि शरीर के अंदर जो है वो क्षमता, जो इसका शब्द यूज होता है इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता, उसका यदि जो है वो पर्याप्त मात्रा में है प्रतिरोधक क्षमता, जो एक तो वैक्सीन होता है, वैक्सीन से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, एक नेचुरल इन्फेक्शन जब हो जाता है तो उसके बाद भी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं। एंटीबॉडी जो शब्द है साइंस का वो यही है कि रोग की प्रतिरोधक क्षमता है शरीर में। और इस वक्त एक और सहयोगी प्रियंका कांडपाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, जो तस्वीर आप आसपास अपने देख रहे हैं वो तस्वीर क्या कुछ कहती है? आपको लगता है कि लोगों की लापरवाही के चलते ही कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है? जी बिल्कुल, मैं सदर बाजार की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले तो आप देखिए कि किस तरह यहाँ पर भीड़ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पुलिस के जो लोग हैं वो यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन पटरियाँ लगी हुई हैं जिसकी वजह से और ज़्यादा भीड़ होती जा रही है। लोगों को हटने को यहाँ कहा जाता है, एक एक सेकंड में लोग फिर से उठ कर आ जाते हैं। पीछे मार्केट की तस्वीरें भी आप देखिए कितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर है। एक तो यहाँ पर भीड़ है, उसके ऊपर लोगों ने मास्क पहनना जरूरी नहीं समझ रखा है। तो जाहिर तौर पर ये न्योता देने वाली तस्वीरें हैं कोरोना की तीसरी लहर को। जो तस्वीरें सदर बाजार से हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग यहाँ पर आए हुए हैं, पर मास्क जो मदर है उन्होंने नहीं पहना हुआ है। जो कामगार मजदूर जिन पर लॉकडाउन होने का सबसे ज्यादा असर पड़ता है, भैया मास्क है? मास्क हम लोग झल्ली वाले, तो मास्क नहीं पहनते आप लोग? इस तरीके के एक्सप्लेनेशन जो है अब यहाँ पर। सर, मास्क क्यों नहीं लगाया अंकल ऊपर? मास्क। तो ये तस्वीरें आपको मार्केट की हम दिखा रहे हैं जहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है, और उससे भी बड़ी बात ये कि मास्क भी लोगों ने यहाँ नहीं लगाए हैं। जी बिल्कुल प्रियंका, बाजारों में रौनक तो है लेकिन यही रौनक अब कहीं लोगों पर भारी ना पड़ जाए। लेकिन भोपाल की अगर बात की जाए तो भोपाल में भी लोग कोरोना नियमों को लेकर लापरवाह नजर आ रहे हैं। लोग बिना मास्क लगाए बाजारों में खरीदारी करने पहुंच चुके हैं, जबकि दिवाली से पहले मध्य प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 100 के पार पहुंच चुकी है। ये भोपाल की तस्वीर देखिए किस तरीके से लोग लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। मास्क या तो नहीं लगा रखा है या लगा रखा है तो वो सही तरीके से नहीं लगा रखा है, और यही लापरवाही अब दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि लोग ये मानकर चल रहे हैं कि कोरोना पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, जबकि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर संभावना एक्सपर्ट्स की तरफ से जताई जा चुकी है। मनोज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज, भोपाल के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं, क्या तस्वीर इस वक्त की आप भोपाल की दिखाएंगे? भोपाल के आंकड़े एक तरह से चौंकाने वाले आंकड़े हैं। दीपावली के पहले, जब त्यौहार के बिल्कुल नज़दीक आप हो, और जो आंकड़ा आपके सामने है कि बीते 24 घंटे में 20 मामले सामने आए, उसके पहले एक दिन पहले 27 मामले सामने आए, और जो एक्टिव केस हैं ये एक खतरनाक आंकड़ा है कि एक्टिव केस 108 तक पहुँच चुके हैं। और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट लगातार कोरोना के इन मामलों की ट्रेसिंग कर रहा है, लेकिन कितनी ट्रेसिंग हो पाती है, क्योंकि लगातार मामले अब जो बढ़ने की स्थिति में पहुंच गए हैं। बाजार दिखाऊंगा क्योंकि कैसे बढ़ता है कोरोना। शुरुआत एक ऑटो से मैं आपको करूंगा। देखिए, ऑटो में है, उनके पास हो सकता है आपके पास मास्क है या नहीं है? मास्क ये रखा हुआ, पहनने के लिए कि रखने के लिए? नहीं नहीं, जैसे ही कोई आया फट से पहन लेते हैं। ये बड़ी मेहरबानी है। देखिए बाजार में, लेकिन आपको अमूमन आपको 50% ऐसे लोग दिख जाएंगे जिनके चेहरे पर कोई मास्क नहीं है।
जी बिल्कुल ठीक है बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन उम्मीद यही है कि लोग अब लापरवाह ना बने, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मास्क और तमाम प्रिकॉशंस का ध्यान जरूर रखें। लेकिन आपको ये भी बता दें कि कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन में पूरी जरूर होती है। क्या आप जानते हैं कि देश में श्वेत क्रांति यानी कि दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था? क्या आप जानते हैं कि देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के किसानों को दूध क्रांति की राह दिखाई थी? 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए जानते हैं कि सबसे कामयाब ब्रांड बनने तक की यात्रा में अमूल ने कौन कौन से पड़ाव पार किए। दूध क्रांति का अमूल मॉडल पूरे भारत में छा गया। 1970 में इसे नाम दिया गया ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड यानी देश में दूध की बाढ़। इसके साथ ही भारत में दूध की नदियां बहने